हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्सास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं चिवड़ा बनाने वाली हूँ। अगर घर पर किसी को भी गेस्ट आ जाते हैं, इमरजेंसी में दिना है, घर पर इस तरीके से चिवड़ा बनाया हुआ रखते हैं तो बच्चे भी अच्छे से हम मज़ा ले सकते हैं खाने में, और साथ में जो गेस्ट हमारे आते हैं उनको भी हम दे सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा जो अपना एक कटोरी है उसके हिसाब से मैंने पोहे लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर मकई के पोहे लिए हैं। फ्रेंड्स, मकई के पोहे आधे डाल लें, यानी जितने हमारे पोहे हैं उससे आधे हमने मकई के पोहे डाल लें। मकई के पोहे आधे डालने की वजह है, इसके साथ में उसका टेस्ट एकदम से क्रंची आ जाता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, सबको पसंद आता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। उसके लिए मैंने फिर काफ़ी सारे मैंने यहाँ मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर करीबन 5 से 10 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है जिसको मैंने मीडियम साइज़ से काटा है, और काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर इस तरीके से किशमिश लिए। आप चाहे तो इसके साथ में ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम भी डाल सकते हैं, या तो जो कोपरे की छीन रहती है उसको भी डाल सकते हैं, हरा कोपरा है उसको भी तल के, ऐसे जो नीला नारियल रहता है अपना उसको भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो ये शुरू करते हैं चिवड़ा बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पोहों को इस तरीके से छान लेना है। वैसे तो पोहे एकदम से अच्छे भी आते हैं, लेकिन छानने से क्या है, अगर थोड़े बारीक से हमारे पोहे रहते हैं तो उसके अंदर से बारीक से निकल जाती है, तो हम जब पोहा पूरा तल लेते हैं तो एकदम अच्छे से आ जाता है। देख लीजिए, इसे कुछ भी जैसे रहता है तो हमें साफ़ कर लेना है। ये पूरे पोहे इस तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे छान के ही हर चीज़ को लेना चाहिए, तो बाकी भी और भी जो पोहा रहता है उसको भी अच्छे से थोड़े थोड़े करके ही छान लीजिए, ताकि अगर कुछ इसके अंदर अगर कुछ रह भी जाता है तो हम देख भी लेना है। ये देखिए निकलता ही है फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ तो निकलता ही है। तो दूसरा वाला जो पोहा है ये भी अच्छे से निकल चुका है। कभी कभार क्या है, पोहे में फ्रेंड्स कुछ आ जाता है, ऐसे जो जौ वगैरह रहते हैं वो भी आ जाते हैं। सारे फ्रेंड्स तरीके से कर लेंगे। आप हाथ से भी देख लीजिएगा, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसका जो जूड़ा रहता है वो निकल जाता है। ये हो गया, पोहे को हम एक साथ में रख लेते हैं अलग से, और हमारे जो मकई के पोहे हैं उसको भी हमें ऐसे ही कर लेना है। बड़े वाले रहते हैं, ये देखिए कुछ कहीं से कुछ आ जाता है, इसे भी अलग से रख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम एक तरफ से तेल को गर्म कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल को मैंने एकदम से धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख लिया है। फ्रेंड्स, चिवड़ों को एकदम से क्रंची और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमें लेने हैं मूंगफली के दाने। मैंने काफ़ी सारे लिए हैं, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा रहेंगे तो इसका टेस्ट एकदम से अच्छा आता है, हमारा चिवड़ा और भी टेस्टी बन जाता है। सबसे पहले हमें तेल गर्म हो चुका है, तो इसको हमें पहले तल लेना है। गैस के लौ को एकदम से हमें धीमा ही रखना है, और मूंगफली के दाने पहले डालने की वजह और तलने की वजह यह है फ्रेंड्स कि हमें तेल कितना गर्म हो चुका है हमें पता चल जाए। देखिए एकदम से हो चुके हैं, हो सके तो पूरा भी डाल दीजिएगा या थ्री थ्री भी डाल सकते हैं। उसे हल्का सा घुमा लीजिएगा इस तरीके से। देखिए ज़्यादा भी जलाना नहीं है, ऐसे करके ही निकाल लीजिएगा, क्रंची रहने चाहिए हमारे। अभी निकाल देंगे इसे, बाकी की जो है वो भी इस तरीके से कर लेते हैं। इसे भी ऐसे निकाल के रख लेते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे, इस तरीके से करने से पूरी तरफ से हमारे जो मूंगफली के दाने हो फ्राई हो जाएंगे, तेल जो है पूरा उसके अंदर साथ में आ जाएगा और उसका क्रंचीपन आ जाएगा। इसे भी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम फ्राई कर लेते हैं मकई के पोहे को, जैसे ही मिक्स होता है। गैस की आंच को फ्रेंड्स एकदम से धीमा ही रखिएगा, पोहे इस तरीके से उल्टा कर लीजिएगा। ऐसे करने से पूरा दोनों तरफ से हो जाएगा। अब इसे निकाल लेंगे,
इसमें डाल देते हैं ऐसे ही, बाकी के बोल को भी हम कर लेते हैं। आपको लगता है कि तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आप गैस को बंद कर लीजिएगा, या तो धीमा कर लीजिएगा। मैंने ऐसे एकदम से धीमी आंच पर ही लिखा है, कर दिया है। ये देखिए पोहा हमारे एकदम से हो जाते हैं, सारे कर लेंगे इसे, खुला कर लीजिएगा इस तरीके से। फ्रेश मकई के पोहे हो चुके, अभी हमें कर लेने हैं हमारे चावल के पोहे को। एकदम से थोड़ा दूर रह के कीजिएगा और तेल की आंच ऐसे ही हो जाती है उसको एक ही बार में पलटा लीजिएगा। ज़्यादा करेंगे तो ब्राउन हो जाएगा, फिर वो हमें नहीं करना है। जैसे हो जाता है क्रंची करना है, फूला फूला क्रंची करना है, होते ही इसे भी हमें देखिए पूरे एकदम से फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। मैं जो सिंगदाना और मकई के पोहे तो रखा है उसे जो ऊपर से रख लेंगे। सारे फ्रेंड्स इस तरीके से हम कर लेते हैं, ये वाले भी निकाल लिए और धीरे से इसके ऊपर डाल लेंगे ऐसे। अभी मिक्स नहीं करना है, बाद में ही करना है। पोहे, मकाई पोहे और हमारे मूंगफली के दाने सब हो चुके, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे क्योंकि अभी हमें जो हरी मिर्ची और जो मीठे नीम के पत्ते उसको भी करना है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा तेल गर्म करना नहीं रखना है। तो गैस को मैंने बंद कर लिया है और इसको साइड पे रख लेते हैं। गैस हमने बंद कर लिया है और हमें जो नीम के पत्ते हैं वो इसी के अंदर भी रखना है। आप देख सकते हैं एकदम से उठ जाते हैं, उसके हाथ ऐसे कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से कर लेना है फ्रेंड्स। ऐसा करना है, जरूरी है कि ज़्यादा जल नहीं जाए हमारे नीम के पत्ते और जो अभी सूख जाएंगे, मतलब तेल जैसा ही ड्राई हो जाएगा उसका। तो ये देखिए अभी भी खनकते हैं वैसे ही पूरा हमारा साथ में आ जाएगा। अब इसको हमें जो पोहे रखे उसी में रख लेते हैं तेल के साथ में ऐसे अलग से। ऐसे ही हमें हरी मिर्च को भी कर लेना है, इसे भी थोड़ा धीरे से ही लीजिएगा और ऐसे कर लेना है क्योंकि हमारा तेल वैसे भी गर्म रहा है फ्रेंड्स। मैं गैस बंद कर लिया, इसे जितना हमें ज़रूरी चाहिए उतना ही हुआ है। ये देखिए हो चुके, अभी इसे भी हम निकाल लेते हैं, इसमें डाल देंगे। इसको भी हमें इसी में ही कर लेना है ऐसे ही, सिर्फ तेल में जैसा मिक्सअप हो जाना चाहिए ऐसे ही कर लेना है। ये देखिए गर्म की वजह से हमारी जो किशमिश है एकदम से मुलायम सी हो जाएगी और टेस्ट उसका कड़क सा जैसे क्रंची जैसा भी हो जाएगा, मीठापन भी आ जाता है इसके साथ में। इसे भी निकाल लेंगे और सारे के साथ में डाल देंगे इसे भी। फ्रेंड्स अभी हम सूखे मसाले लेने हैं। सूखे मसाले के लिए हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है ऐसे, और 2 बड़ी टेबलस्पून हमें हल्दी लेना है और इसी के माप से हमें 2 बड़ी टेबलस्पून जितना हमें लाल मिर्च लेना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये करने की वजह यह है कि जब हम मसाले के साथ में, जब हमारे पोहे के साथ में करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वो अलग से नहीं आ जाना चाहिए। ऐसे पूरा इसे मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसके अंदर जो पिसी हुई शक्कर रहती है, अगर मीठा आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। एकदम से रेडी हो चुका है मसाला। अभी जो हमारे पोहे हैं उसको हम पूरा जो मिक्सर में कर लिया है, अभी पोहा, मकई पोहा, सिंगदाना वगैरह, मूँगफली के दाने वगैरह, उन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। इसे दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स पहले, ताकि हमारे जो पोहे, मकई पोहे, हरी मिर्च, ये हमारे मीठे नीम के पत्ते और जो सिंगदाना लिए हैं वो सब इसके साथ में आ जाए। आप चाहे तो बड़ा वाला कटोर भी ले सकते हैं। पूरा हो चुका है इसे। अभी फ्रेंड्स हमने जो मसाले, सूखे मसाले लिए हैं उसको
ऐसे ऐसे ही कर लेना है। फिर उसको मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा चिवड़ा। अब इसे हम एक सर्विस में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है चिवड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और हो सके तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।